हे गाइस, वेलकम टू दी रेश केयर। स्वागत है आपका रेश केयर के इस एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बजाज की ऑल न्यू अपकमिंग पल्सर NS250 के बारे में। डिटेल में बताने वाला हूँ इस बाइक की प्राइस, लॉन्च डेट और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या हमें देखने मिल सकती है, तो सब कुछ है इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक्स और डिजाइन के बारे में। तो गाइस, रिसेंटली इस बाइक को इंडियन रोड्स पर टेस्टिंग करते हुए भी देखा गया था, जहां पर इस बाइक के जो लुक्स है वो कम्प्लीटली तो नहीं बोल सकते हो कि एकदम सामने आ गए, लेकिन हाँ कुछ कुछ हमें अंदाजा जरूर पता चल गया था कि किस तरह डिजाइन के साथ ये बाइक हमें देखने मिलने वाली है। तो अगर इसकी स्पाई शॉट को देखोगे तो पता चलता है कि ये बाइक पहले से ज्यादा और भी बल्की होने वाली है। जो इसका फ्रंट लुक है वो और भी ज्यादा एग्रेसिव होगा। वहीं बात करें इसके चेंजेस के बारे में, तो फ्रंट लुक बताया जा रहा है थोड़ा चेंज होगा, और जो साइड की फेयरिंग है वहां पर भी आपको चेंजेस देखने मिलने वाले हैं। जो रियर प्रोफाइल होगी, जो टेल लाइट सेक्शन है वो भी कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। तो ये तो हो गई लुक्स की बात, अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो गाइस, ऐसा बताया जा रहा है इसमें 248.7 सीसी डिस्प्लेसमेंट के साथ सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने मिलेगा, जो कि एक DOHC यानी कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला इंजन होगा। और ये इंजन फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और लिक्विड कूलिंग के साथ हमें ऑफर किया जाएगा। बात करें इस बाइक के पावर और टॉर्क के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है मैक्सिमम पावर करीबन 27 से लेकर 28 HP तक देखने मिल जाएगा 8500 RPM पे, एंड मैक्सिमम टॉर्क 24 से लेकर 25 न्यूटन मीटर तक देखने मिल जाएगा 6500 RPM पे। BS6 नॉर्म के साथ डायरेक्टली ये इंजन हमें ऑफर किया जाने वाला है, और साथ ही के साथ इसमें आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ आपको इस बाइक का गियरबॉक्स ऑफर। हे गाइस, वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है बिनोमो। इस एप्लीकेशन की हेल्प से मैं अपने डेली के जो भी कुछ छोटे मोटे खर्चे वो निकाल लेता हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकली दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह मैं अर्निंग करता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एसेट सेलेक्ट करना होगा, जिसमें मैं क्रिप्टो IDX को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक है रियल अकाउंट, दूसरा है डेमो अकाउंट। तो मैं यहाँ पर अपने रियल अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर रियल अकाउंट को सिलेक्ट किया है। अब आपको इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे 7000 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको प्रेडिक्शन करना है कि जो ग्राफ ये अप जाएगा डाउन, तो मुझे लगता है जो ग्राफ ये अप जाएगा, तो मैं यहाँ पे अप पर क्लिक कर दूंगा, एंड उसके बाद मुझे कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे पैसे अर्न कर लिए, और जो भी पैसे आप लोग यहाँ से अर्न करोगे उसे डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल भी कर सकते हो। और गैस, इनका सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है, तो इन फ्यूचर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिनोमो एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर फ्री में डेमो अकाउंट में आपको $1000 मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करना सीख सकते हो, एंड उसके बाद अपने रियल अकाउंट से। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अब बात करते हैं इस बाइक के ब्रेक और टायर्स के बारे में। तो कैसे सब बताया जा रहा है, फ्रंट ब्रेक में हमें डिस्क ब्रेक ऑफर की जाएगी 300 mm की, एंड जो रियर ब्रेक होगी वहां पर भी हमें डिस्क ब्रेक ऑफर की जाएगी 230 mm की। साथ ही के साथ इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS भी ऑफर किया जाने वाला है। बात करें इसके टायर साइज के बारे में, तो कैसे सब बताया जा रहा है जो फ्रंट टायर सेक्शन होगा वो 100x80 सेक्शन का देखने मिलेगा, जिसमें आपको 17 inch का अलॉय व्हील्स ऑफर किया जाएगा। और जो रियल टायर होगा वो हमें 130x70 सेक्शन का देखने मिल जाएगा, जिसमें भी सेम 17 इंच का अलॉय व्हील्स ऑफर किया जाने वाला है। दोनों ही टायर ट्यूबलेस हमें ऑफर किए जाने वाले हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन और चेसी फ्रेम के बारे में। तो कैसे सब बताया जा रहा है, जो फ्रंट सस्पेंशन होगा वहाँ पे हमें 37 mm डायमीटर का अपसाइड डाउन फोर्क देखने मिल जाएगा, एंड जो रियर सस्पेंशन होगा वहाँ पर हमें मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक देखने मिलेगा, जो कि 77 mm डायमीटर के साथ आएगा विद नाइट्रोक्स। और वहीं बात करें इस बाइक के फ्रेम के बारे में, तो बीम टाइप पेरीमीटर वाला फ्रेम हमें इस बाइक के चेसी में हमें ऑफर किया जाने वाला है। अब बात करते हैं इस बाइक की मेन हाईलाइट के बारे में, जो कि है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। जी हाँ गाइस, इस बार आपको कम्प्लीटली फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने मिलेगा, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फंक्शन देखने मिलने वाला है। इस बाइक के जितने भी इंडिकेशन है सभी डिजिटल में देखने मिलेंगे, चाहे बात करें स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, RPM, फ्यूल गेज, गियर पोजिशन इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, जैसे सारे इंडिकेशन आपको डिजिटल फॉर्म में देखने मिलेंगे। वहीं बात करें इस बाइक के लाइटिंग सिस्टम के बारे में, तो गाइस ऐसा बताया जा रहा है बाइक में कम्प्लीटली आपको LED लाइट्स देखने मिलने वाली है, चाहे बात करें फ्रंट की हेडलाइट्स की या फिर टेल लाइट्स की या फिर टर्न इंडिकेटर्स की, सभी में आपको LED लाइट्स ऑफर की जाने वाली है। बात करें
इस बाइक के कुछ कंफर्ट और कन्वीनियंट फीचर्स के बारे में। तो गाइस आपको इसमें पिलियन ग्रैब ग्रिल, पिलियन फुटरेस्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, इंजन किल स्विच, स्टेप अप सीट, स्टैंड अलार्म जैसे फीचर्स आपको इस बाइक के साथ ऑफर किए जाने वाले हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बता दूं, इस बाइक की जो प्राइस बताई जा रही है वो करीबन 160,000 से लेकर 170,000 तक इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है। और वहीं बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, तो गाइस इसी साल फेस्टिवल सीजन में ये बाइक हमें लॉन्च होती हुई इंडिया में देखने मिलने वाली है। फेस्टिवल के आसपास यानी कि दिवाली के आसपास पकड़ के चलो, ये बाइक हमें फाइनली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिख जाएगी। और गाइस इसी के साथ पल्सर 250 FV हमें लॉन्च होती हुई दिखने वाली है, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Okay.